हियर राजवी दिस साइड यू आर वाचिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद राजवी और आज की वीडियो में ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है ऑफ कोर्स इसी से रिलेटेड होगी। इसमें ना मैं आपके साथ कुछ तीन चीजें शेयर करने वाली हूँ, मतलब कैसी पर्सनालिटी होती है जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, कोई भी लोग जो है ना पसंद नहीं करेंगे कॉमनली। तो ये तीन गलतियां आपने कभी नहीं करनी है। जिन लोगों में ये तीन बातें होती है ना उनको हमेशा ही दूसरे लोगों से नफरत ही मिलती है और मिलती ही रहेगी, ये फैक्ट है। हाय हियर राजवी दिस साइड यू आर वाचिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद राजवी और आज की इस वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कौन सी पर्सनालिटी होती है जिनसे लोग दूर भागते हैं। इट मींस कि कुछ को लोगों की पर्सनालिटी में ना ये तीन बातें जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगी, जिस भी पर्सनालिटी में ये तीन बातें होंगी या फिर वो उस इंसान की आदतें आप बोल सकते हैं उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, उसे नफरत ही करते हैं और आगे भी उसे जो है इंसान को नफरत ही मिलेगी। तो मीनवाइल आपको क्या है, ये तीन चीजें कभी करनी नहीं है, प्लस आपने क्या है इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। तो उनमें से सबसे पहली चीज है ना, इट्स के दूसरे का क्रेडिट खा जाना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, क्रेडिट खाते किस हिसाब से है कि ये जो किया है ना, ये जो हुआ है ये सारा मैंने किया है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने देखा होगा लोगों को ऐसा बोलते हुए कि मैंने ना ये कर दिया। तो कभी भी कोई भी अकेला इंसान जो है ना कुछ नहीं करता है, उसके पीछे और बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। जैसे अगर कोई मूवी बनी है उसमें जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो खुद को ये टैग देना शुरू करते हैं कि जो भी किया है वो मैंने किया है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, मुझे साफ दिख रही है उसके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेहनत लगी हुई है, जितना पैसा भी लगा हुआ है। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी होता है, अगर आप कुछ बन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, आपको बहुत सारे लोगों की जो है सपोर्ट मिली होती है। जब आप उनको लेकर थैंकफुल एटीट्यूड अपना नहीं रखते हो ना, तब क्या है आप एक तरीके से बहुत ही सेल्फिश लगते हो। लगते क्या हो सेल्फिश, जो इंसान किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता, किसी की करी हुई मेहनत का उसे क्रेडिट नहीं दे सकता, वो सेल्फिश नहीं है और क्या है, राइट? तो आपने क्या है कभी भी किसी दूसरे की मेहनत या उसके हक को नहीं रखना है, उसकी मेहनत का, उसके किए हुए कर्मों का उसे बनता हुआ क्रेडिट जो है ना जरूर देना है। क्योंकि जो भी लोग ऐसा करते हैं ना उनको नहीं कोई पसंद करता, वो इंसान तो डेफिनेटली नहीं करेगा जिसके साथ उसने ऐसा करा है। बाकी आसपास के जितने भी लोग होंगे ना जिनको ये पता चलेगा कि अच्छा इसने इसको क्रेडिट नहीं दिया, इसने सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया, उन लोगों की नजर में भी आप बुरे बनोगे। तो इस चीज को ना थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ये पहली चीज थी। और दूसरी चीज जो है ना वो है रिलेटेड विद फीडबैक। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या है एक्शन लेते हैं, मैं भी अभी कोई ना कोई एक्शन ले रही हूँ, ठीक है, आप भी कोई ना कोई एक्शन लेते हैं, उस एक्शन के बदले हमेशा रिएक्शन आता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अगर कोई काम कर रहे हैं तब हमें क्या है लोगों से फीडबैक मिलता है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपने कुछ करा है देन उसके बदले में आपको फीडबैक लेना चाहिए, सही रहता है, आपको पता चलता है कि आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, हर एक का अलग ओपिनियन होता है। बट कुछ लोग क्या करते हैं फीडबैक अगर मिलता भी है ना उनको उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि जो मैंने किया है वही सही है, मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा अकल है और मेरे एक्शन सबसे अच्छे और सच्चे हैं। ऐसा नहीं करना है कभी। अगर कोई इंसान आपको फीडबैक दे रहा है ना उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, एटलीस्ट उसको लेकर थोड़ा ओपिनियनेटिव तो बनो, देखो कि उस बात में कितनी सच्चाई है, कितना काम का है, कितना नहीं है। सीधा ही अगर किसी ने मान लो कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे पसंद नहीं है फीडबैक के तौर पे, देन ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं उसको जाके गला ही पकड़ूंगी, उसको गाली देने लगूंगी, उसको पीटने लगूंगी, ये कौन सी समझदारी, उसे जस्ट अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करा। तो आपने भी क्या है उस हिसाब से शांति से रिएक्ट करना है और सामने वाले के फीडबैक को इम्पोर्टेंस देनी जो है सीखनी है, ये बहुत चीज जो है मैटर करती है सेकंड नंबर पे। और तीसरी जो आदत है जो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों में पाई जाती है, इट इज वो ना सारी चीजें खुद के हिसाब से जो है कंट्रोल करना चाहते हैं कि अगर कोई कुछ कर रहा है मेरे हिसाब से करे, इसको इतनी समझ नहीं है, ये सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो भी उनका फैसला उन्होंने लिया है, जो भी डिसीजन लिया है सारे लोग ही उसको एक्सेप्ट करें, कोई भी उसके खिलाफ जो है आवाज ना उठाए। देखो यहाँ पे दूसरे लोग गुलाम नहीं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, उनकी लिमिट्स की,
नहीं आनी चाहिए। अब ना एक बहुत हैरान करने वाली बात मेरे को दिखती है कि लोगों ने कहीं पे पेट रखा होगा सेव करके, एक पेट है उसके साथ ऐसा भी बिहेव करेंगे पता नहीं वो कितना बड़ा इंसान होता है या उनका फैमिली मेंबर होता है, वहीं पे साथ में एक साक्षात इंसान खड़ा है जिसको उन्होंने अपनी मेड बोल लीजिए रखा हुआ है या जिसको वो पे कर रहे हैं, उनके घर का नौकर ही है, उसके साथ बिहेवियर इतना बेकार क्या पूछो मत। तो वो मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे कर लेते हैं, एक पेट को वो इंसान का दर्जा दे रहे हैं और जो साक्षात इंसान है उसे जस्ट बिकॉज कि ये हमारा नौकर है उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वो कदर नहीं देंगे, वो केयर नहीं देंगे और उल्टा उसके साथ और भी बुरा बिहेवियर करेंगे। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उन लोगों को कितनी अकल होती है, कितनी की मैच्योरिटी है या उन्होंने लाइफ को ह्यूमैनिटी को कितना कुछ समझा है। तो आपने ना ये चीज कभी नहीं करनी है, किसी दूसरे इंसान को कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, जितना आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना वो उतना ही आउट ऑफ कंट्रोल चलेगा, ये फैक्ट है। तो कभी भी कोई सिचुएशन हो गई, कोई पर्सन हो गया, कोई काम हो गया, आप अपना ओपिनियन शेयर करो कि ये काम है अगर आपको, अगर आप इसको इस तरीके से ना करते हुए इस तरीके से करोगे ना जो भी मैंने बताया है तो ज्यादा अच्छे तरीके से वो काम हो सकता है, ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ओपिनियन शेयर करो, एडवाइस दो, ना कि उनको ऑर्डर दो, ऑर्डर किसी को पसंद नहीं होता है। तो ये जो चीज है ना आपने कभी भी नहीं करनी है। तो ये तीन जो है ना बेसिक सी चीजें हैं जो छोड़नी ही चाहिए अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाना चाहते हो कि वो लोगों को अच्छी लगे, पसंद लगे और एक सही पर्सनैलिटी, वाकई में इंप्रेसिव पर्सनैलिटी बनने के लिए ये जो है कुछ आदतें हैं आपको छोड़नी ही पड़ेंगी, जरूरी है। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, यही थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करने में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस पे जितनी भी वीडियोस है ना वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही है, या तो इनर पर्सनैलिटी से रिलेटेड होंगी या फिर आउटर पर्सनैलिटी से रिलेटेड होंगी, अलग अलग टॉपिक्स हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू टुमॉरो।